ब्लैक फंगस यानी इसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म में बोलते हैं राइनो सेरेब्रल म्यूकोर माइकोसिस। ये एक तरह का रेयर वैरायटी का फंगस होता है जो कि हमारे आसपास इर्द गिर्द हवा में भी रहता है और सामानों में भी चिपका रहता है। तो ये एक ऐसा फंगस का प्रजाति होता है जो कि हमारे ऊपर वो तब हावी होता है जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी घटी हुई रहती है। इसका हम उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जिसको कि डायबिटीज़ की शिकायत है, अगर उसका डायबिटीज़ बहुत हद तक अगर कंट्रोल मतलब काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है, डायबिटीज़ उनका कंट्रोल के बाहर रहता है, हमेशा चीनी जो है वो काफ़ी बढ़ा रहता है, जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है वो हमेशा 10 के आसपास या उससे ऊपर हो जाता है, तो इस तरह के रोगियों में ये हावी हो सकता है। उसके अलावा HIV के मरीज़ में, फिर कैंसर के वैसे मरीज जिनको कीमोथेरेपी ये सब चल रहा हो जिनका, या वैसे मरीज जिनका कि कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ हो उनमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चलता है, तो उस तरह के मरीजों में ये ज़्यादातर देखा जाता है। वैसे अगर कोई स्वस्थ इंसान है तो उसमें ब्लैक फंगस का संक्रमण नहीं देखा गया है अभी तक, तो ऐसा कोई रिपोर्ट के संबंध नहीं सुने हैं, ना ही हम अपने करियर में देखे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ब्लैक फंगस कोई एक नई बीमारी नहीं है, लेकिन इस कोविड के इसमें ये काफ़ी ज़ोर से फैल रहा है, जिसको कि अब एक एपिडेमिक की तरह इसको भी देखा जा रहा है। पिछले साल भी ब्लैक फंगस मेरे दोस्तों ने जो दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं जैसे कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो पिछला वेव जो आया था कोविड का यानी 2020 का जो वेव था पहला वेव, उसमें भी उन लोगों ने बोला था कि काफ़ी ब्लैक फंगस मिल रहा है, लेकिन उसका कोई भी मरीज़ बिहार में नहीं दिखा था। लेकिन ये जो सेकेंड वेव जब से आया है जिसमें बिहार में काफ़ी सारे पेशेंट्स मिल रहे हैं, भागलपुर में ही मेरे ही क्लिनिक में हमको लगता है कि हम अभी तक में 8 या 9 केसेस देख चुके हैं जिसमें कि ब्लैक फंगस डिटेक्ट हुआ है। और उन ब्लैक फंगस में होता है क्या है कि ये बीमारी जो है, ये जो फंगस है, ये हमारे नाक के द्वारा, हमारे सांस के द्वारा हमारे चेहरे के साइनस में फैलता है पहले, वहाँ पर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और फिर ऊपरी जबड़े, नाक और चेहरे की हड्डी, आँख की हड्डी से होते हुए ये हमारे ब्रेन में प्रवेश करता है। इसके बचाव में क्या है कि इसका अर्ली डिटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती लक्षण अगर दिख जाए उसका, उसी समय इसको एक घातक बीमारी की तरह देखते हुए इसका इलाज करना शुरू कर देना होता है। तो इसमें जो भी हिस्सा चेहरे का इसके संक्रमण में आता है, जैसे कि जबड़े की हड्डी हो गई, चाहे चेहरे की हड्डी हो गई, साइनस का लाइनिंग हो गया, या अगर आँख में चला गया, तो ये सबको हटाना पड़ जाता है। और एम्फोटेरिसिन बी नाम की एक दवा होती है जिसको कि 5% डेक्सट्रोज में मिलाकर ICU सेटअप में इसको धीरे धीरे हमारे नस के द्वारा, नस में मैंने आईवी फॉर्म में इसको चलाया जाता है और ये काफ़ी दिन तक चलता है। तो इसका इलाज यही है, अगर ये शुरुआती दौर में ये पकड़ा गया तो इसका इलाज संभव है, लेकिन अगर ये एडवांस डिजीज हो जाता है जहाँ कि ये ब्रेन में प्रवेश करने का इसका खतरा बन जाता है या प्रवेश कर चुका होता है, तब इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। फिलहाल बचाव के क्या उपाय हैं? बचाव में यही है कि जिस तरीके से हम लोग कोविड को अपने आप से बचा रहे हैं, अपने आप को मास्क पहन के कोविड से बच रहे हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी यही चीज़ लागू होता है कि आप मास्क पहने रहिए और अपने इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए। वैसे तो ये स्वस्थ लोगों में नहीं दिखता है, लेकिन जिन जो डायबिटीज़ के मरीज़ है खासकर उनको बोलते हैं हम लोग कि भाई आप सचेत रहिए इस चीज़ को लेकर। और इसमें देखा गया है कि जिनमें कोविड के मरीज़ों में जहाँ तक स्टेरॉयड चला है, जिनमें बहुत ज़्यादा चला है, तो उसमें भी क्या होता है कि स्टेरॉयड से इम्यूनो सप्रेशन होता है, तो उनके भी कुछ मरीज़ों में पाया गया है। तो ये खाली बोल देना कि किसी व्यक्ति को म्यूकोर माइकोसिस हुआ है क्योंकि उसको स्टेरॉयड खिलाते, ये भी हम इसको भी सही नहीं मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे बीमारी ऐसी है जिसमें कि बहुत दिन तक स्टेरॉयड दवा का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं कि उनको म्यूकोर माइकोसिस हो गया। खैर, इसमें अभी आगे रिसर्च की और ज़रूरत है कि कोविड से इसका क्या रिलेशन एग्जैक्टली है, ये अभी पता ही नहीं चला है, लेकिन सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि या तो स्टेरॉयड या तो डायबिटीज़ के मरीज जिनको कोविड हुआ है उनमें यह ज़्यादा पाया जा रहा है। लेकिन अभी ये फर्दर रिसर्च का एक विषय है जो कि धीरे धीरे इसका और पिक्चर क्लियर होगा भविष्य में।
फिलहाल क्या अपील होगी सर संक्षेप में? फिलहाल तो यही है कि अगर आपको चेहरे पे सूजन लगे या चेहरे में भारीपन लगे, चेहरे के एक हिस्से में या जबड़े में, ऊपर के जबड़े में, या दांतों में दर्द हो, या दांत का हिलना शुरू हो जाए, या आँख का छोटा होना, या आँखों में लालीपन आना, या आँख से बहुत पानी गिरना, अगर इस तरह का कोई लक्षण दिख रहा है तो जरूर अपील करूंगा कि भाई अपने नियरेस्ट जो आपके मैक्सिलोफेशियल सर्जन या ENT सर्जन या फिर फिजिशियन या फिर आँख के डॉक्टर या फिर कोई न्यूरो फिजिशियन या सर्जन, उनको दिखाकर इमिडिएटली इसको रूल आउट कर ले कि भाई कहीं कोई म्यूकोर माइकोसिस का लक्षण तो नहीं आ रहा है। और वैसे पेशेंट जिनको ये कोरोना हो चुका है और वो उससे उभर चुके हैं, उनमें ये ज़्यादातर पाया जा रहा है, तो उन मरीजों में ज़्यादा आपको ज़्यादा ये लेके चलना है कि शायद हो सकता है। इसलिए ज़रूर डॉक्टर से मिलने में कोताही ना करें, अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत फौरन दिखाइए।